नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे मंत्रों के चमत्कारिक प्रयोगों की। आपने मंत्र बहुत बार जाप किया होगा, आपको किसी ने मंत्र बताया भी होगा कि इस मंत्र से यह फायदा होता है, लेकिन आज कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मंत्र आपके साथ साझा करेंगे जिनके जाप के बाद आपको फायदा अवश्य होगा। चर्चा होगी रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, उस अचूक सामग्री की जो आज के दिन आपके पितरों की प्रसन्नता आपको अवश्य दिलाएगी। बात करेंगे माताओं बहनों के महा उपाय, यानी कि उनके सेहत की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी, और सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास होने वाला है। और हाँ, एक बात और, आपके मन में यदि कोई प्रश्न था वो आपने हमारे साथ साझा किया था, आज उस प्रश्न का हम आपको जवाब भी देने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र बहुत खास होने वाला है, आप उसे नोट जरूर करिएगा। ओम विघ्नहराय नमः। इस मंत्र का मात्र 7 बार जाप करने से आपके विघ्न खत्म हो सकते हैं। इस मंत्र को आज जरूर जाप करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 18 सितंबर 2022, दिन रविवार, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा मृगशिरा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, जिससे सभी लोग डरते हैं, शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के मध्य। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं, और आपको बताते हैं कि मंत्रों के अंदर उनकी वाइब्रेशन में, उनकी जो तरंग होती है उसके अंदर बहुत प्रभाव देने की क्षमता होती है। तो मंत्रों का कैसे प्रयोग करना है, मंत्र आपके बच्चे के लिए हो सकते हैं, आपके स्वयं के लिए हो सकते हैं, आपकी पत्नी या पति के लिए हो सकते हैं, लेकिन बात सबसे पहले करते हैं उन बच्चों की जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, या फिर बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। क्या करना है उनको, कैसे यह समस्या दूर होगी, सबसे पहले यह समझते हैं। देखिए, यदि कुंडली के अंदर दूसरा भाव और पांचवा भाव पीड़ित हो, दूसरा भाव होता है हमारी प्राइमरी एजुकेशन का, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा होती है, और पंचम भाव जो होता है वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन का होता है। तो कुंडली में यानी कि दूसरा भाव और पांचवा भाव पीड़ित हो और पंचम भाव पर राहु दृष्टि डाले, तो देखिए ध्यान जो है वो भटक जाता है, बच्चे का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे बच्चों का ध्यान भटकने के साथ ही गलत कार्यों की ओर चला जाता है, क्योंकि राहु जो है मैलिफिक प्लेनेट है, पापी ग्रह कहलाता है। तो देखिए, उपाय के तौर पर ऐसे बच्चे जिनकी ऐसी स्थिति हो, जो पढ़ाई में मन ना लगाएं, उन्हें हमेशा उनके कमरे में जो हल्के रंग का प्रयोग करना है, और हल्के रंग के वस्त्र पहनाकर ही उनको आप पढ़ने बैठाइए। उनके बेडरूम का कलर भी हल्का रखिएगा। पढ़ने से पहले जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके अभिभावक ओम एंग नमः मंत्र का 11 बार जाप जरूर कराएं। कुछ दिन लगातार करके देखिए, बच्चों के मन के भटकाव की स्थिति जो है वो हर तरीके से कम हो जाएगी। बच्चों को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ सराहना करके सुलाइएगा। उनके सोने की इधर उधर की व्यवस्था मत करिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पूर्व दिशा में सुलाइए, सराहना भी उनका पूर्व दिशा में रखिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है मित्रों कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, लेकिन अचानक कोई भी मुसीबत आ जाती है तो माहौल में उस परिवर्तन को आप देखने लगते हैं कि भाई अब तो मुसीबतें आती जा रही हैं और ये जाने का नाम नहीं ले रही। तो अचानक आई हुई मुसीबतों को कैसे दूर करना है मंत्रों से, ये समझते हैं। सबसे पहले तो मुसीबतों से घबरा कर सबसे पहला कार्य क्या करना है, अपना साहस कम ना होने दें, किसी भी तरीके से मत डरिएगा। आप मन में किसी भी तरीके से कोई गलत विचार लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मन शांति से जो है अपनी उस जो परेशानी आई थी उसकी ओर सोचिए, यानी कि मन को सही दिशा में लाइए। शांत मन से अपनी समस्या के बारे में बैठकर एक बार आपको सोचना है कि यह समस्या क्यों आई है, इसका क्या कारण है, क्या निवारण है। सुबह या रात में सफेद कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा में आप अपना फेस करें। लाल चंदन की एक माला आप ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, हनुमान जी के मंत्र का आपको जाप करना है।
ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करिएगा और लगातार आप करते चले जाइएगा 11 दिन तक। आप देखेंगे अचानक जो आई थी मुसीबत वो अपने आप ही टल गई है, या फिर उसका जो प्रभाव है, मैं तो ये कहूंगा दुष्प्रभाव जो है वो कम हो गया है। तो इस मंत्र को आप अपने मित्र, सखा, संबंधी, रिश्तेदार सभी के साथ साझा करिएगा। मित्रों, आपके मन में यदि कोई समस्या है, हमारा नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपके समक्ष है 9643333444। इस नंबर पर जो है आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा जरूर करें। मित्रों, अब आपको बताते हैं यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाए, हर तरह की समस्या का निवारण करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र। कैसे करना है? किसी भी समस्या को मंत्रों के द्वारा बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मंत्र जाप में पूरा ध्यान लगाकर, साफ वस्त्र पहनकर यदि मंत्र जाप किया जाए तो आपको सफलता बहुत आसानी से और जल्दी मिल जाती है। कैसे करना है ये? एक पीले रंग का आसन लें, सफेद चंदन की माला से पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड फेस करके आप उस आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 या 5 माला प्रतिदिन आप जाप करिएगा। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी समस्या को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। पूरे मंत्र जाप में अपने विश्वास को अखंड रखिएगा, टूटने मत दीजिएगा, पूरी श्रद्धा बनाए रखिएगा। भगवान श्री हरि के प्रति आपका कार्य निश्चित तौर पर उनकी विशेष कृपा से सफल होगा। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं दानिश खान। दानिश खान, आपका बहुत स्वागत है भैया, भोपाल से हैं दानिश। विदेश जाना चाहता हूं और अच्छे फ्यूचर के बारे में बताएं, ऐसा आपने प्रश्न किया है। देखिए दानिश, आप जो है कर्क लग्न और कर्क राशि के ही हैं, बहुत अच्छा ये लग्न होता है। कुंडली के दशम भाव में नीच का शनि होने के कारण नौकरी प्राप्ति में बहुत मुश्किलें आएंगी। दशम भाव हमारी आजीविका का, हमारी नौकरी का होता है। यदि वहां पर नीच का शनि, जो कि नौकरी का कारक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, नौकरी का कारक शनि है, वो यदि नीच का होकर बैठ जाए तो नौकरी मिलने में बहुत मुश्किलें आती हैं। जनवरी 2023 में शनि के मार्गी होने के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। क्या करना है उपाय? अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को भारी रखिएगा, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट का कॉर्नर अपने घर में भारी रखिएगा, वहां वजन रखिएगा। घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखकर वहां एक कांच के बर्तन में पानी भरकर रखिए, फायदा बहुत होगा। अपने आने वाले जन्मदिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को अन्न का और वस्त्र का दान जरूर करिएगा। तो दानिश, ये छोटा सा उपाय करने से आपकी समस्या अवश्य हल होगी। दूसरे दर्शक जुड़े हैं चंद्र प्रकाश कुमावत, तेलंगाना से, बहुत स्वागत है आपका। मेरे कैरियर और लाइफ पार्टनर के बारे में बताएं, नौकरी करें या व्यवसाय? भैया, आप वृश्चिक लग्न और मीन राशि के हैं। वर्तमान समय में मीन राशि पर वक्री बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। नवंबर 2022 के बाद आपको करियर में सफलता जरूर मिलेगी। सप्तम भाव में शनि और कारक शुक्र के यानी कि सातवां भाव आपके विवाह के लिए देखा जाएगा। तो सप्तम भाव में शनि होने से और कारक शुक्र के सूर्य द्वारा पीड़ित होने पर कुंडली मिलान करके ही आप विवाह करिएगा, वरना परेशानी हो सकती है। कुंडली में व्यापार करने की संभावनाएं बहुत कम हैं। अच्छी नौकरी की प्राप्ति के लिए दिसंबर 2022 तक आपको इंतजार करना होगा। अपना प्रयास जारी रखिएगा, ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो आज दानिश और चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही आपके मन में भी यदि कोई समस्या है, आप अपना प्रश्न हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643333444 पर साझा करिए, आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा, लेकिन पेट की समस्या का वर्ष के मध्य तक आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वो परेशान कर सकती है। इस वर्ष किसी भी नए कार्य में कोई निवेश ना करें, वरना आपका नुकसान अवश्य हो सकता है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की
बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए मंगलवार की सुबह आप सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए, संपूर्ण वर्ष अच्छा रहेगा। और हाँ, जरूरतमंद लोगों को मीठा अन्न भी बांटिएगा। ऐसा करने से आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर एकदम चिंता मुक्त होगा। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेर शुभकामना। मित्रों, आपके साथ समय हो चुका है सफलता के अचूक महा उपाय को साझा करने का। आज का सफलता का महा अचूक उपाय, यदि आपके कार्य में हर तरीके से विघ्न आ चुका है तो विघ्न विनाशक ही आपके कार्य को अब जो है सफल करेंगे। 5 लाल गुड़हल के फूल भगवान गणेश को अपने मन की कामना बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए, आपका कार्य सफल होने का योग प्रबल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि वो छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाती हैं, मन में उनके घबराहट आ जाती है, बिल्कुल ना घबराइए। एक लोटा पानी भरकर आप अपने सराहने रखिएगा और आराम से सोइए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य, उस लोटे के जल को आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा कुछ दिन लगातार करके देखिए, आप चिंता मुक्त हो जाएंगी। आप बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। अपने घर में टूटा हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और दर्पण यानी कि मिरर जो है वो बिल्कुल ना रखें। ना ही टूटा हुआ दर्पण, ना ही खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिल्कुल मत रखिएगा इसे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और मान सम्मान में कमी हो सकती है। मित्रों, अब समय हो चला है रसोई घर के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं वो सामग्री जो आपके पितरों की प्रसन्नता दिलाएगी। देखिए, गेहूं का आटा आज हम लेकर आए हैं। कैसे करना है प्रयोग? भाई, गेहूं का आटा आप लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर यानी कि साउथ फेस करके, पितरों का ध्यान करके एक दीपक बना लीजिए उस आटे का। उस आटे में आप जल मिलाइए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और एक दीपक आप उसका बना लीजिए। उसमें देसी घी और कपूर भरकर घर की दक्षिण दिशा की ओर जलाइए। ऐसा करने से आपके पितरों की प्रसन्नता आप स्वयं महसूस करेंगे। क्या होगा फर्क? आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्न धन की बरकत होगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो तमाम आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे थे मंत्रों के चमत्कारिक प्रयोगों की, कि मंत्र को कैसे प्रयोग करना है, कैसे उस पर श्रद्धा विश्वास करके हम अपने कार्य को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।